देश में हमारी औरत ने कहा आप बढ़िया कविता क्यों नहीं लिखती। हम कहे अगर मैं इस दिन बढ़िया कविताएं लिख लूंगा उस दिन देश के सारे कवि और शायर भूखों मरने लगे क्योंकि मेरा ही सब सुनने लगे तो बेचारों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैं उन पर दया करता हूँ तो अच्छा नहीं लिखता। लोग कहते हैं आप ये क्या करते हैं अच्छी कविता नहीं कहते आओ आओ बकते हैं जहाँ पाते हैं तहाँ मन रखते हैं। तो हमने कहा कभी किसी पे रोब जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। कहीं कहीं पर अगर जोकर का किरदार निभाया तो आपने जिसको पढ़ा उसको मैं दूसरे ढंग से भी कह सकता हूँ। ऐसा पावर है। कैसे कह सकते हैं कि भले हो जिस्म बूढ़ा अपने पे सूट करें और नहीं तो आज पर भाई अपने पे सूट करें। कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। आपको चुरा करके सूट कर रहा हूं। देखिए कैसे सूट होते हैं। भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हलके में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी बहुत जहरीला होता है। ये कहने का अंदाजे बयां है। ये कह दिया आपने बहुत बढ़िया सुना। अब ये जो अपने अब क्या नाम पड़ेगा जमील भाई नहीं क्या भाई आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मैं आपके इन बालों की तरफ क्या देख लिया प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी सफेद बालों की नारी कैसी कैसी प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। और जब मैं जवान था तो ये लोग नहीं मिलती थी बूढ़ा हो गया ताने मारती है बैठी बैठी सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। बहुत बढ़िया आपने सुना। अब ये तो ये भी कह दिया कि जो है पूछना हाल चाल बाकी है घूमना नई दाल बाकी है ऐ हसीनों इसे भी ले जाओ सर में दो चार बाल बाकी है ले जाओ। तो कहने जो है हाँ इसे जो है गरीबों का ये चांदी और सोना क्या बिगाड़ेगा चला जो चाइना से जादू टोना क्या बिगाड़ेगा अगर खाने और पीने की व्यवस्था घर में है चौचक तो बेटा तुम ये जाओ करो ना क्या उखाड़ेगा। देखिए ये सब हौसला बढ़ाने के शेर है। बाकी हम कोई रामदेव नहीं आपको पतंजलि का एक चीज पकड़ा देखा दे ये लो खाना ये सब नहीं है। कहने हैं कि अपने हाथों अपनी दवा लाने नहीं देते अपने हाथों अपनी दवा लाने नहीं देते अपने मन पसंद का खाने नहीं देते 14 दिन के पहले घर जाने नहीं देते ना रिश्तेदार पास आने नहीं देते। हमने कहा कोरोना कब जाओगे मेरे देश से वो बोला हम जाते हैं मोदी जी हमें जाने नहीं देते। कोई ना कोई रुकावट बाधा होती भाई कहते हैं कुछ काम और बचा है तनिका तो क्या दिन हमारी पत्नी ने कहा पहले कोरोना आया था फिर ब्लैक फंगस आ गया ये कौन है। हम कहीं ऊपर ही मौसी का लड़का है नौ साल बहुत तेजी से भरता है। हमारी पत्नी बहुत हमका प्यार करती है। एक दिन हम कहे आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं रस में जहाँ तक मुझे गुलशन जी को नहीं बताऊंगा हमारे शहर में जैसे घर घर जाए बताइए। हम तो दमदार भैया से व्यक्ति कहे हम कहे आपकी पत्नी आपको प्यार करती है कहे हाँ बहुत करती है। हम कहे तो फिर खाना बनाया करिए साल भर प्यार नीचे बनवाते रहते हैं तो बनाते हैं
साल भर बनाते हैं। अगर ये बेकी न होते तो बाल सैलून पर बनवाते। हम और दमदार भैया बाल इसलिए बढ़ाए हैं, इतना बड़ा बाल इसलिए जमाए हैं ताकि कब सम्मेलन कम जमे तो ये सब तो इतना जमा रहे। अब हमको दमदार भैया देख कर बाल विकास मंत्री की गाड़ी रुक जाती है। हम कहे कौन बाल विकास मंत्री, ये गदेला वाला की वो वाला? अब हम तो दमदार भैया एक दिन हमसे कहें इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं हूं 40 किलो, वो है 80 किलो, उसकी गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। उन्होंने कहा खाना आप बनाइए। हम कहे नहीं बनाएंगे, बिगड़ गई। कहती है फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेकते रहना, फिर तन्हाई में खटिया बैठ के देखते रहना, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहना, मैं के चली जाऊंगी। भरक पड़क नहीं, किसी के आने ना आने चाहिए। आने से उसके आए बाहर, अब खोल के रखा अपन मोहार, किसी दिन आएगी मेरी महबूबा, वही फार फार खाया अपन खरबूजा तरबूजा। ऐसी स्थिति आ गई तो आपने बहुत प्यार से सुना, सोचा थी दो पंक्तियां और सुना दी जो है। हाँ दो पंक्तियां और सुन लीजिए जो है, बहुत प्यार से सुना दो पंक्तियां, दो चार पंक्तियां और जो है। एक एक छंद लिख दिया, एक दो मिनट और रहेंगे थोड़ा अच्छी बात भी हो जाए, क्योंकि YouTube पे जाना रहता है तो दूर तक आवाज जाती है देश विदेश में कि अंबर भाई क्या कहना चाहते हैं। तो कहें कि जो है दो चार पंक्तियां और सुन लीजिए कि गांधी तेरे देश में तेरे चेले चांदी काट रहे हैं, गांधी तेरे देश में तेरे चेले चांदी काट रहे हैं, जिसको तुमने संजोया था सब आपस में बांट रहे हैं, गांधी तेरे देश में तेरे चेले चांदी काट रहे हैं। कहें झूठों का परचम लहराता, जो सच्चा वो जेल में जाता, और विकास की गति रुक जाती, सारा समय बेल में जाता, गुंडे और मवाली देखो वफादार बर्दाश्त रहे हैं, गांधी तेरे देश में तेरे चेले चांदी काट रहे हैं। पढ़ा लिखा जो योग्य युवा है मारा फिरता है, और इसी से ग्राफ देश का निस्दिन नीचे गिरता है, सत्ता के मद में अंधे हो कुर्सी का सुख गांठ रहे हैं, गांधी तेरे देश में तेरे चेले चांदी काट रहे हैं, जिसको तुमने संजोया था सब आपस में बांट रहे हैं। ये कविता मैंने फूलों में बना लिया, अब फूलों की एक कविता ऐसे भी पढ़ लिया। अरे गई हो जब से सो नहीं पाया, देखें गई हो जब, सब नया नया सुना रहे, पुराने में पूछने की कोशिश नहीं कर रहा, आदत खराब है हमारी। गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया तुम्हें क्या हो गया है। आपकी औरत अगर कहीं चली गई तब नया है, नया सुनिए, YouTube के लोग भी सुने, मेरे सभी साथी सुने। गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। जब से गई हो खाना खुद ही बनाऊं विश्वास कर, मेरे अकेले पन का जानम जरा सा एहसास कर, तुम्हें बुलाऊं फोन लगाऊं कि दुनिया से उठे
धर्मराज सब पूछते हैं अंबर भाई तुम्हारा क्या हाल है, सब पूछते मेरे तो कैसे इन्हें खिलाऊं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। बहुत बढ़िया आपने सुना, इसीलिए चलते हुए विदा लेते हुए चलते हैं। अब ये पुलिंदा मैं अंदर रखता हूँ क्योंकि ये एक भंडार है, समंदर है, लेकिन कहता हूँ कि आप जो है आपके बड़े प्यार बहुत मोहब्बत से मिला। मैं वो बरगद की वो पीपल की मैं छाया छोड़ आया हूँ, वो पीपल की वो बरगद की मैं छाया छोड़ आया हूँ, जो अपने थे उन्हें करके पराया छोड़ आया हूँ। मुझे जो गोद में लेकर के हर मेला घुमाती थी, मैं अपने गांव में वो बूढ़ी आया छोड़ आया, मैं अपने गांव में वो बूढ़ी आया छोड़ आया। अंबर भाई और भी पंक्तियां, सब मौलिक पंक्तियां आपके सामने जा रही है, चार पंक्तियां और सुन लीजिए जो है, अब यहीं से विदा लेंगे। एकता का पैगाम लेके अंबर भाई आपके बीच से जाएंगे। मेरे सभी साथियों को सलाम करते हैं, लमदार बनारस जी का मुशायरा नसीर अहमद और बबलू भाई का ये मुशायरा कामयाब रहे। हिंदू मुसलमान देश की दो आंखें हैं, हिंदू मुसलमान देश की दो आंखें हैं, हमारा देश तो हिंदू मुसलमान देश की दो आंखें हैं, हमारा देश तो अब दूध भात खाएगा, इधर जो आंख उठाएगा लाभ खाएगा। अरे वाह, इधर जो आप तब अंबर भाई ने कहा जो है, हाँ अंबर भाई ने कहा जो है, हाँ प्यार अंबर भाई चार पंक्तियों से आप विदा लेते हैं जो है, हाँ हाँ फरमाइश आई है तो मित्रों की, मैं उसको सुना बिल्कुल नया है इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, बड़े बड़े मंचों पे पढ़े जाएंगे, कम बड़ा मंच नहीं है। कि मुझे प्यार करने वाले तू हमेशा मुस्कुराए, विदाई ये पल में पढ़ रहा, मुझे प्यार करने वाले तू हमेशा मुस्कुराए, मैं तुमको भूल जाऊं वो दिल कभी ना आए, मेरे दिल में उठ रहे हैं तेरे प्यार के शरारे, मेरे दिल से उठ रहे हैं तेरे प्यार के शरारे, मेरा नाम लेने वाले तेरा होठ जल न जाए, मेरे वतन से बना रहा हूँ, बना नहीं है देश का कोई शायर कोई कवि कभी टिक नहीं सकता, मैं ऐसा लिखूं कि बाजार में बिक नहीं सकता, किताबों में नहीं मिलेगा हिसाबों में नहीं मिलेगा, मैं फिर बिछड़ गया तो ख्वाबों में न मिलेगा। अंबर भाई का ये जवाब कभी नहीं मिलेगा, अंबर भाई है इसी दुनिया से विदा हो जाएंगे लेकिन आपको कभी नहीं मिलेंगे फिर दूसरे अंबर। सुन लीजिए, मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है, अहमद आदमी साहब एकता के पैगाम सुने आखिरी में, मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है, शंखों का अजानों का कहीं और मिलन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है, झेलम चिनाब रावी गंगा व यमुना नदियाँ, इतनी छिपी है ना जाने कितनी सदियाँ, मुझसे अधिक किसी का यहाँ पर वजन नहीं है, वहाँ पाप सांग म्यूजिक मीरा का भजन नहीं है, मेरे
वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है। शंखों का जानों का कहीं और मिलन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।